नमस्कार दर्शकों, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांशु। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सक्सेना। जैसा कि आपने, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुलाब नगर में हॉटस्पॉट बना दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे गुलाब नगर को थोड़ा सा एरिया हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। शॉप खोली थी मैंने। शॉप खोलने के बाद तुरंत जैसे जिनके पॉजिटिव हैं, तो भाभी जी स्वयं आई थी और उन्होंने खुद ही बताया कि मेरे पति जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं और किसी समय भी ये सील हो सकता है। तो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने खुद बता दिया, किसी और से पता नहीं लगा। दूसरी बात ये है कि एक तरफ ऐसा लगता है कोरोना बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन भैया को देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कुछ नॉर्मल हो, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अब ये है कि 4 दिन बाद प्रशासन का जो भी आदेश आया तो ये हॉटस्पॉट बन गया, यही कह सकते हैं। तो ये इनका नाम है संजय सक्सेना। संजय सक्सेना, तो अभी इस टाइम जो क्वारंटीन हो चुके हैं जे, क्या तो क्वारंटीन कहाँ हुए हैं जे? ये वैसे तो घर इनका सामने ही है, ये सामने है और क्वारंटीन ये बराबर में एक खाली घर पड़ा हुआ है उसमें है, और वहीं पर इनकी वाइफ खाना वगैरह सब पहुँचाती हैं, नाश्ता वगैरह, और वहीं सब सर्व हो रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये आपको कब पता चला संजय जी के बारे में? 5 दिन पहले पता चला था। तो उसके बाद ये रोड पे निकल रहे हैं, टहल रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है सड़क पे बातें करना सबसे, और लोगों में भी फैल सकता है ये। आप मुझे बताइए कि जो हॉटस्पॉट बनाया गया है, बन गया, अब हॉटस्पॉट में क्या दुकानें खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है। सारी गाइडलाइन सरकार द्वारा पहले ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अब ये व्यक्ति के स्वयं का निर्णय है कि उसको अपने दो पैरों पे चलिए समय निकल जाए रहना है, या समय रहते 4 कंधों पे जाना है। व्यक्ति स्वयं में इतना समझता है। मेरे ख्याल से जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उनको जाने, एक जागरूक नागरिक के तौर पर उसको अपनाएं, तो सीधी सी बात है, इस तरीके के संस्थान या दुकान नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि एक सीमित एरिया जो है वो बंद किया जाता है। क्योंकि गुलाब नगर हॉटस्पॉट बनाया गया है, तो ये दुकानें जैसे चक्की खुली है, ये दुकान खुली है, ये परचूरी की दुकान खुली हुई है, तो ये दुकानें अभी इस टाइम खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, उसका एक वाजिब सा जवाब देते हैं। देखिए, कुछ हमारी इसेंशियल नीड होती है, जैसे रोटी है, हमारी बहुत इसेंशियल नीड है। आटा चक्की तो एक ऐसी है जो सबसे पास होगा वहीं जाएगा। अगर यहाँ का व्यक्ति कोई दूसरी जगह पर जाता है तो संक्रमण वहाँ लेके जाएगा। वो व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि वो संक्रमित है या नहीं है। लोगों को ये चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह पे ना आए। जहाँ तक आटा चक्की का सवाल है, तो मेरे हिसाब से तो डेली नीड है। कई लोग ऐसे भी हैं इस लॉकडाउन में जिनके पास एक ही वक्त का आटा खरीदने का पैसा होता है। तो बाकी के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, जो एसेंशियल चीज़ें नहीं है वो बिल्कुल पूर्णतः बंद होनी चाहिए, प्रशासन को उसको बंद कराना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको संजय जी के घर वालों से मिलवाने जाता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कब पता चला इसके बारे में कि आपको ये? सर, एक्चुअल में क्या है, हमारे निगम में जांच के लिए बोला गया है सभी लोगों के लिए। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ नगर निगम में, सुपरवाइजरी पद पर हूँ। तो हमारे जेई साहब और दूसरे सुपरवाइजर जी गए थे संडे के लिए। सब लोगों ने जाँच कराई क्योंकि पर डे जाँच हो रही है, तो हम लोगों को सहयोग करना है। लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें भी हम लोगों ने खाना बढ़वाया, पर डे हमारी कोई भी छुट्टी नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो सर, संडे में हमने जाँच कराई तो हम 2 लोग पॉजिटिव आए, हमारे जेई साहब जो हैं वो निगेटिव आए थे। हम तीनों ने एक साथ रहते हैं, जाँच कराई थी। वो जो साथ वाले हैं वो संजय नगर के हैं, हम सब गुलाम नगर के हैं, परंतु हमें हल्का कोई सिम्टम्स होगा, इसलिए हम सब होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया।
मॉनिटरिंग हमारी बराबर डीएम सर के यहाँ से हो रही है, डॉक्टर के हमारे पास में पर डे फोन आ रहे हैं और भी फोन आ रहे हैं, और ये मतलब पल्स के लिए मशीन बोली हुई है ये भी हमने ली है बराबर हम, और थर्मामीटर भी उनके लिए सारी सूचना दे रहे हैं। मुझे कोई भी तकलीफ खांसी सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है, बट लैट्रिन और बाथरूम मुझे अलग करना था तो इसलिए मैं अलग अपने बच्चों से होम क्वारंटाइन हो गया हूँ। मैंने अपने बच्चों की परसों जांच भी कराई थी क्योंकि ज़रूरी था सर, संडे में जांच हुई थी मेरी, बृहस्पतिवार को इसकी रिपोर्ट आई थी क्योंकि बृहस्पतिवार तक मैं अपने बच्चों के साथ था जी जी, तो मेरे बच्चे नेगेटिव हैं। मेरी पत्नी मैं कुर्सी रखी हुई है कि ये बाहर कर देता हूँ, जो खाना रख जाती है मैं खाना ले लेता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं फर्स्ट क्लास हूँ सर, होम क्वारंटाइन करना है वो मैं करता हूँ। तो आपको जो है ये चार दिन में आपको मतलब आपने क्या महसूस करा अपने अंदर की, मतलब मुझे टेस्टिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, आपको क्या महसूस हुआ? सर एक्चुअल में टेस्टिंग के लिए तो ये था कि सब इस चीज़ में आपको दिक्कत हुई सबसे नहीं, हमें कोई दिक्कत कैसी भी नहीं हुई, केवल एक आदेश का फॉलो किया था नगर निगम का। अच्छा अच्छा, जो हमारे अधिकारियों ने कहा था कि सैलरी वगैरह रोक दी जाएगी अगर आप अपनी जाँच नहीं कराएंगे। अच्छा, तो उसलिए वैसे हमें शरीर में कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, ना सांस की दिक्कत, ना खांसी, ना बुखार, कुछ भी नहीं है, और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूं सर। अच्छा, अभी तक मेरे लिए कोई मेडिसिन नहीं दी गई, नहीं मैंने लिए, और मैं स्वस्थ हूं और पसीना भी मुझे वैसे आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। पल्स रेट भी पूछ रहा है, ये मेरे ऑक्सीमीटर रखा हुआ है मेरे हाथ में और सर ये थर्मामीटर भी है, ठीक है 90 से इसकी भी रिपोर्ट दे रहा हूँ बराबर, फीवर है या नहीं। सुबह शाम दोनों टाइम डीएम ऑफिस से मॉनिटरिंग होती है जितने लोग भी अपने कोरोना पॉजिटिव में हैं। सर कोई सिम्टम्स होगा जिससे मैं पॉजिटिव दिख रहा हूँ तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ बराबर। तो अभी मैंने आपका संजय जी से मिलवाया, संजय जी ने कहा कि मुझे कोई भी तकलीफ है यानी कि कोई भी मुझे परेशानी पता ही नहीं चली मुझे। आइए अब मैं आपको संजय जी की वाइफ से मिलवाने चलता हूँ। इनके जो है खाने वाने का जो है आप कैसा मतलब ध्यान रखती हैं? जी इनका खाना वगैरह ही पॉजिटिव नहीं करके इनके पास ही कुर्सी रखी है, हम वहीं रख के तो। और खाने में जैसे आप इनकी टाइमिंग वगैरह अब तो पहले से काफ़ी चेंज हो गई होगी जी, टाइमिंग क्या क्या मतलब किसके टाइमिंग का आपने क्या क्या देखनी है? नहीं सर, इनके लिए सुबह पानी जाता है, चारा जाता है और चाय जाती है, उसके बाद 8 बजे दूध हल्दी वाला, 10 बजे ब्रेकफास्ट चाय अपने दलिया हुई या ब्रेड वगैरह हुआ, 12:30-1 बजे करीब 4 बजे करीब फिर चाय, और उसके बाद शाम को दूध, फिर काढ़ा, फिर खाना और फिर रात में चाय। तो अभी अपने आप को स्वस्थ बता रहे हैं जी? इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनको पहले भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो तो ये कही नगर निगम में जब चेकअप हो रहा था तो ये कही कि अपनी सेफ्टी के लिए करा ले रहे हैं क्योंकि हम फील कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको संजय जी की वाइफ से भी मिलवाया, संजय जी की वाइफ का कहना है कि उन्हें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, चाय और जो भी चीज़ है गर्म पानी है वो उन्हें टाइमिंग से, खाना होना सब उन्हें टाइमिंग से दे रही हैं, जाती हैं वो दूसरे वाले मकान में अपने क्वारंटीन हुए हैं, वो अपने आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुए हैं, उनकी बात फ़ोन पर हुई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम से, उन्होंने कहा था कि आप अपने घर में क्वारंटीन हो जाइए, और वो उनका दूसरा मकान है, वो संजय जी अपने दूसरे मकान में क्वारंटीन हुए हैं, और उनकी वाइफ जो हैं वो जाती हैं, खाना वो बाहर से दे के चली जाती हैं, चाय दूध जो भी है उनका नाश्ता वो उन्हें बाहर से दे के चली जाती हैं, संजय जी ले लेते हैं। कैमरामैन मुकेश सक्सेना के संग आशुतोष सक्सेना, सिटी में। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।